तो इस टाइम पे एक प्रॉब्लम काफी सारे लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों उनके जो इंस्टाग्राम आईडी है वहां पर इंटर बैकअप कोड यानी 8 डिजिट का बैकअप कोड नहीं आ रहा है। और दोस्तों देखिए ये प्रॉब्लम कब होता है, जैसे दोस्तों मान लीजिए कि आपका इंस्टाग्राम इन द सिचुएशन कभी हैक हो जाता है, किसी ने हैक कर लिया या फिर ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। तो दोस्तों जब आप लॉग इन करने जाते हो तो वहां पर दोस्तों मांगता है 8 डिजिट का बैकअप कोड, लेकिन दोस्तों वो कोड आपको याद ही नहीं रहता है कि भैया वो कोड है क्या। और दोस्तों नीचे दिया रहता है ट्राई अनदर वे, जब आप ट्राई अनदर वे पे क्लिक करते हो तो कुछ होता ही नहीं है और 8 डिजिट का बैकअप कोड नहीं आता है। और कुल मिलाकर गाइस आप अपने आईडी में लॉग इन नहीं हो पाते हो। नहीं तो मेरे भाई आप बहुत ज्यादा परेशान हो ना, तो एक बार आप यहाँ पर ज्यादा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो 8 डिजिट का प्रॉब्लम है, ये मेरे एक सब्सक्राइबर का प्रॉब्लम था, ठीक है। एक मेरा ऑडियंस था जिसको ये प्रॉब्लम था और उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट किया और फिर ये स्क्रीनशॉट मुझे भेजा और बोला सर प्लीज मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कीजिए। फिर गाइज यहाँ पर आप देखिए मैंने उसी के आईडी का 8 डिजिट का एक बैकअप कोड मैंने उसको भेज दिया। मैंने बोला लो इसमें से कोई भी कोड तुम डाल दोगे तो तुमको तुम्हारा जो आईडी है वो लॉगिन हो जाएगा और तुम्हारा आईडी वापस आ जाएगा। लेकिन इसको प्रोसेस को मैंने यहाँ पे थोड़ा ट्रिक किया, मैंने कुछ इस पे वर्क किया तब जाकर मुझे एक कोड मिल गया उसके आईडी का और उसके बाद मैंने ये कोड उसको भेज दिया। फिर बोला कि इसको लॉगिन करो तुम्हारा आईडी आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों उसका आईडी भी वापस आ गया। और यहाँ पर दोस्तों आप साफ साफ यहाँ पर रीड कर लीजिए, यहाँ पर दोस्तों लिखा भी है कि थैंक यू भैया देखिए आपकी वजह से मेरा आईडी वापस आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी वजह से, यहाँ पर देखिए इसने बोला था प्लीज हेल्प कीजिए और मैंने बोला कि ऑडियो में बोल दीजिए यहाँ पर और इसके बाद से उसका आईडी वापस आ गया। यानी दोस्तों तो अगर दोस्तों आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है 8 डिजिट का बैकअप कोड अगर आपके भी इंस्टाग्राम आईडी में यहाँ पर मांग रहा है, मान लीजिएगा आपका आईडी हैक हो गया है या फिर मान लीजिए आपका आईडी किसी भी सिचुएशन से लॉग आउट हो गया है, बट जब आप लॉग इन करने जा रहे हो और 8 डिजिट का बैकअप कोड मांग रहा है और आपके पास ऐसा कोड 8 डिजिट का नहीं है, तो इसका कैसे सॉल्यूशन होगा, कैसे आप फिर से लॉग इन करोगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारा चीज लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूं। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और एक और बात दोस्तों, अगर आपसे ये ट्रिक नहीं होगा, अगर आपसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा, तो मैं खुद आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूंगा और मैं खुद आपको 8 डिजिट का बैकअप कोड ला करके दूंगा, ठीक है। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी 100% प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार चैनल पे तो टेक्निकल सुजीत जी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले गाइस आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है, इंटर बैकअप कोड 8 डिजिट का बैकअप कोड नहीं आ रहा है, ठीक है, और आप अपने आईडी में लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से दोस्तों आप बैक आ जाएगा दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको वो करना है, ठीक है। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, ये जो गूगल क्रोम एप्लीकेशन है, गूगल क्रोम इसको दोस्तों ओपन कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और एक और बात दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, तभी अगर ये ट्रिक काम करेगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। और आप पर अगर आपसे ये ट्रिक काम नहीं करेगा तो मैं खुद आपको बैकअप कोड ला करके दूंगा, इसीलिए पूरा देखना, ठीक है, समझना बातों को। यहाँ आपको सर्च में जाना है और यहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है आई कांट लॉग इन इंस्टाग्राम, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आई कांट लॉग इन इंस्टाग्राम, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे आपको पहले नंबर पे एक वेबसाइट मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए आई कांट लॉग इन इंस्टाग्राम सेंटर ये लिख रहा है दोस्तों, तो आपको दोस्तों इसी वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पर प्रोसेस को बिल्कुल भी ध्यान से देखना, वरना जो लोग ध्यान से नहीं देखेंगे फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगा, बाद में मुझे मत बोलना कि भैया हो नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं इसीलिए ध्यान से समझना। अब आपके सामने ऐसा आ जाएगा, अब आप थोड़ा नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा, जरा ध्यान से रीड कर लेना, इफ यू थिंक डेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट हैज बीन हैकेड, देख लो ये आर्टिकल ध्यान से पढ़ लेना, इसी आर्टिकल पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पे करते हैं क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको नीचे फिर से एक पेज मिलेगा, विजिट दिस पेज, देखिए लिखा हुआ है ये, आपको थोड़ा डार्क कलर का लिखा हुआ विजिट दिस पेज, तो आपको इस पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइस बोल रहा है ओपन ऐप, तो आप ओपन ऐप पे क्लिक कर लेना। जैसे आप ओपन ऐप पे क्लिक करोगे अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कई सारे रीजन आ जाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको पहला नंबर का एक रीजन मिलेगा, ये वाला ऑप्शन माय अकाउंट हैज बीन हैकेड ये वाला, तो आपको इसके सामने टिक लगा देना है और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अब यहाँ पर गाइस बोलेगा यूजर नेम, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर यूजर नेम, तो अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात को समझिए, जो अकाउंट मान लीजिए जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है मान लीजिए हैक हो गया है या फिर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो जो अकाउंट आपका है ना इंस्टाग्राम का, उस अकाउंट का यूजर नेम आपको पता होना चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपको यूजर नेम पता होना चाहिए, इस बात का मैं पहले बोल देता हूं।
अब यूजर नेम आपको पता है तो यूजर नेम यहाँ पे डाल दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपका अकाउंट हैक हो गया है तो अगर हैक हुआ है ना तो हैकर ने यूजर नेम चेंज कर दिया होगा, तो आपको जो चेंज हुआ होगा ना आपको वो यूजर नेम चाहिए। बात ध्यान देना, मान लीजिए आपका आपने अभी आपका अकाउंट है, मान लीजिए आपने यूजर नेम डाला है सुजीत कुमार, मतलब सुजीत कुमार, और किसी ने हैक कर लिया और अभी उसने नाम रख दिया राजकुमार, तो आप सुजीत कुमार यूजर नेम डालोगे तो आपका आईडी नहीं आएगा, आपका नाम डालना है राजकुमार। अब मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपका अकाउंट हैक हो गया है तो नया यूजर नेम कैसे पता चलेगा, यूजर नेम चेंज किया है कि नहीं हैकर ने, तो उसके लिए देखो आप क्या करना, इंस्टाग्राम ऐप ओपन करना और अपने किसी दोस्त का मोबाइल ले लेना, दोस्त तो आपको फॉलो किया होगा ही, और दोस्त के मोबाइल से अपनी आईडी को सर्च करके देख लेना कि यूजर नेम क्या है, दोस्त ने क्या यूजर नेम रखा है, और सेम वही यूजर नेम तुमको यहाँ पे डालना है। ओके, बात को ध्यान से समझना। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने अपने एक दूसरे आईडी का, एक फेक आईडी का यहाँ पर यूजर नेम डाल दिया है, तो आप भी अपने आईडी का यूजर नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए आपका वो आईडी आ जाएगा। देखिए दोस्तों यही मेरा आईडी है, यहाँ पर आपका आईडी दिखा देगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इस आईडी में ये फोन नंबर है, ये फोन नंबर है, ये जीमेल आईडी है, यानी इस आईडी में ये वाला मोबाइल नंबर लिंक है। यहाँ पे देखिए ये जिस मोबाइल के लास्ट में 98 है वो वाला मोबाइल नंबर इस आईडी से लिंक है, और अगर ये आपका नंबर है तो यहाँ पर दोस्तों आप इस पर टिक लगा दीजिएगा, मतलब इस नंबर के सामने टिक लगा दीजिएगा, और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे ओटीपी आएगा और वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि नंबर चेंज हो गया है और जीमेल आईडी भी चेंज हो गया है, तो उस सिचुएशन में कैसे आपका आईडी आएगा, तो उसके लिए गाइस यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिएगा ट्राई अनदर वे, ये देखिए दोस्तों ट्राई अनदर वे का ऑप्शन है नीचे, तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे अब आपके सामने फिर से एक ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा माय अकाउंट वाज हैकेड, और इसके सामने ये वाला बॉक्स है, इस पे आपको टिक लगाना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपको दो ऑप्शन बोलेगा, एक यस और एक नो। अगर आपने अपने आईडी में अपना फोटो वीडियो पोस्ट किया होगा तो दोस्तों आपको यस पे क्लिक करना है, और अगर नहीं किया होगा तो आपको नो पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे लगा देना अगर आपने फोटो वीडियो पोस्ट किया है तो, क्योंकि दोस्तों फोटो वीडियो पोस्ट करने से आपका आईडी 100% वापस आ जाएगा, उसमें आपका चेहरा का मैचिंग करता है इंस्टाग्राम। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपको यस करना है, देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अब यहाँ पर दोस्तों बोलेगा एक ईमेल एड्रेस, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ईमेल आईडी डाल देना है, उस ईमेल आईडी पे इंस्टाग्राम आपको एक ओटीपी भेजेगा। तो चलिए गाइस यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया। आप दोस्तों क्या कीजिएगा, कोई भी एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो। ओके, तो यहाँ पर जब ईमेल आईडी डाल दोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पे क्लिक करोगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे इस ईमेल आईडी पे इंस्टाग्राम देखिए आपको एक 6 डिजिट का कोड भेजेगा, 6 डिजिट का। तो अब आपको क्या करना है, बैक आ जाना है और अपने ईमेल को ओपन करना है। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना ईमेल ओपन करता हूँ। यहाँ पे गाइस देखिए मुझे इंस्टाग्राम ने ओटीपी भेज दिया, यहाँ पे देखिए ओटीपी भेज दिया है, तो अब आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको 6 डिजिट का कोड है, इसको यहाँ से क्या करना है, ऐसे कॉपी कर लेना है, ठीक है, ऐसे कॉपी कर लीजिएगा। देन यहाँ पे बैक आइएगा और यहाँ पर दोस्तों वही ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिएगा, और यहाँ कंफर्म का ऑप्शन है, कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे यहाँ पर दोस्तों आपके सामने देखिए ये जैसे बोलेगा, लेफ्ट बोलेगा तो लेफ्ट कीजिएगा, राइट बोलेगा तो राइट कीजिएगा, यानी आपका चेहरा का मैचिंग करेगा, ठीक है। तो जैसे ये बोलेगा वैसे आपको करना है। अब देखिए दोस्तों जैसे लेफ्ट राइट अप, ओके अब देखिए दोस्तों यहां पर आपका चेहरा का मैचिंग हो चुका है। अब गाइस यहां पर आपको देखिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक सबमिट का बटन मिलेगा, ये सबमिट वाला बटन आप देख रहे हैं ना, आपको क्या करना है इसी सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करना है गाइस, क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपका प्रॉब्लम इंस्टाग्राम की टीम के पास चला जाएगा, और अब दोस्तों आपको क्या करना है कि 72 घंटा, यानी 72 घंटा आप इंतजार कीजिएगा, 72 घंटा के अंदर ही आपके जीमेल आईडी पे इंस्टाग्राम क्या करेगा कि आपका जो आईडी है वो वापस कर देगा, या तो आपको 8 डिजिट का बैकअप कोड दे देगा, या फिर दोस्तों आपका जो आईडी है जो आप लॉग इन नहीं कर पा रहे थे वो आईडी आपको भेज देगा, रिसेंट पासवर्ड क्लिक करके आप अपने आईडी में लॉग इन कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने जीमेल चेक कीजिएगा, 72 घंटा के अंदर दोस्तों आपको इंस्टाग्राम आपके जीमेल आईडी पे मतलब की भेज देगा मेल की कांग्रेचुलेशन आपका आईडी जो वापस आ चुका है। इस तरह से मेरे भाई आप अपने आईडी को वापस ला सकते हैं, अपने आईडी में लॉगिन कर सकते हैं। बाकी इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, इसके बाद भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं हमेशा रिप्लाई करूंगा। और अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम टेक्निकल स्विथ 12 मेरा आईडी है, वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद मैसेज कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल पसंद है तो टेक्निकल स्विथ को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो मिलता हूं, तब तक देखते रहना टेक्निकल स्विथ जी चैनल को।